काला डेरा से जयपुर कूच के दौरान गिरफ्तार किए गए किसान नेता अमरा राम सहित 24 किसानों को बुधवार सुबह भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ काला डेरा थाने से न्यायालय के लिए रवाना किया गया। यहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। बुधवार सुबह जब किसानों को बस द्वारा न्यायालय ले जाया जा रहा था, तब किसानों ने थाने से बस में बैठते समय सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान एडिशनल एसपी, डीएसपी और थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस जाप्ता मौके पर तैनात रहा। डीएसपी दीपक शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी किसानों को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से न्यायाधीश ने अमरा राम सहित सभी किसानों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। जयपुर कूच कर रहे किसानों को रोकने के बाद देखा गया कि वे विधानसभा घेराव की पूरी तैयारी करके चल रहे थे। जो वाहन किसानों के साथ चल रहे थे उनमें खाने पीने का सामान और कपड़े आदि रखे हुए थे। उल्लेखनीय कि राजस्थान सरकार ने बजट में किसानों को एक सीमा के भीतर कर्ज माफी तो कर दी है, लेकिन किसान नेता इससे नाखुश है। इसके अलावा उनकी कई अन्य मांगे भी हैं और इसे लेकर काश्तकारों ने विधानसभा घेराव की योजना बनाई, लेकिन फिलहाल इनके अगुआ नेताओं को पकड़कर सरकार ने घेराव टाल दिया है।